गुड मॉर्निंग गाइस, आज बहुत ही मजेदार दिन होने वाला है क्योंकि जैसे आप ब्लॉग देखते आ रहे थे सारे ब्लॉग मजेदार हैं, पर आज का बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे कॉलेज में है फेयरवेल बैच 2019-20 का फेयरवेल है जो कि 2020-23 वाले बच्चे दे रहे हैं, बट हम 2021-24 वाले बच्चे भी आज आ गए हैं क्योंकि हमको आप जानते ही हैं पहले से कि कनेक्शन वाई टाइप्स, तो बहुत मजा आने वाला है गाइस। और ब्लॉग मस्ती होगी, धमाल होगा, खाना होगा, डांस होगा, बहुत कुछ होने वाला है गाइस। ब्लॉग में बने रहिए गाइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड कूपन्स बांटे जा रहे हैं, यहाँ सीनियर आ चुके हैं। यस, नाउ गाइस द ऑडिटोरियम इज रेडी। बहुत ही प्यारा ऑडिटोरियम लग रहा है, एकदम येल्लो येल्लो लाइट में, और बहुत बहुत मजा आने वाला है। ये सीनियर, ये सेकंड ईयर वाले बच्चे बैठे हैं। हाय आर्यन भैया, दिस इज अ ब्लॉग। सब्सक्राइब निखिल गुप्ता यूट्यूब चैनल। देखो ये लोग हमसे काम करा रहे हैं, फेयरवेल हमारा नहीं है, हमारी सीनियर का है ना, सुपर सीनियर का फेयरवेल कर रहे हैं जूनियर, उनको भी अभी सुपर जूनियर अभी अभी तैयार हो रहा है भाई, बहुत सारा काम करा रहे हैं हम लोगों से। फेयरवेल शुरू हो चुका है और कितना बढ़िया स्टार्टिंग हुई है और बहुत एकदम देखो भाई पीछे परफॉर्मेंस चल रही है। खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को बनाया, किसी के लिए तेरा मेरे नाम उसे रब का इशारा मारा मुझको बनाया, तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे रात का, कुछ तो है तुझसे कैसे हम जाने हमें क्या। गोभी देखना, ये भी देखना है, बहुत ही लोड है, आप लगातार बने ईयर वाले बच्चे आते जा रहे हैं और हमारे मिस्टर बीजेएमसी और मिस बीजेएमसी यहाँ पर बैठे हुए हैं।
फर्स्ट ईयर के हमारे बैच के मिस्टर मिस बीजेएमसी यहाँ बैठे हैं सड़े से मुंह बना के कि इनको भी कुछ मिल जाए, ताज चाहिए इनको, इनको भाई साहब को ताज चाहिए, उनको उनको भी ताज चाहिए। इतना इतना सच के आए हुए इसीलिए ये सच रहा होता है मैं भाई, एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कोई। ये डीएमई वालों से एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है यार, तुमको है तभी तो यहाँ बैठे हो। एक सैश मिल जाएगा। अभी मैंने ही तुम्हारा मिस्टर बीजेएमसी मिस बीजेएमसी का सैश तैयार किया है भाई। वो जो तुम पेंट कर रहे थे वो ना एग्जैक्टली वही मिलेगा भाई। और ले लो, और ले लो, रख लो आप अपने पास। Guys, this is a Garhwali performance with by our classmates. So, बड़ी मज़ेदार परफॉर्मेंस है ये। आई एम एस गाजियाबाद में भी इस परफॉर्मेंस को थर्ड प्राइज़ मिला था, क्योंकि हमने ब्लॉग में रिकॉर्ड नहीं किया था उस प्रीवियस ब्लॉग में आए वाले, क्योंकि वो डे वन का ब्लॉग है और ये परफॉर्म जो हुआ है वो डे टू में हुआ है। सो जो आज हमारे फेयर में भी परफॉर्म हो रहा है तो बहुत ही मज़ेदार परफॉर्मेंस है भाई। अरे ये दोनों बंदे मिस्टर मिस बीजेएमसी हमारे वाले बैच के पहुंच गए अपना क्राउन लेने। शायद इनको क्राउन मिलता है कि क्या मिलता है। भांगड़ा के परफॉर्मर्स बैठे हैं मिलन, ये दीदी ये भी भांगड़ा में है और उस साइड भी है कोई, तो ये सारे लोग भांगड़ा करने वाले हैं अभी आगे। बहुत मजा आने वाला है, एकदम पूरी एनर्जी लगा देंगे ये लोग आज भांगड़े में। एनर्जी से भरी हुई परफॉर्मेंस जिसको एक फाइनली बूस्टर डोज के तौर पर इतनी एनर्जी उसमें है कि मज़ा आने वाला है। पूरे फेयरवेल में पूरी आन बान शान जो है परफॉर्मेंस की वो ही है, शुरू हो गई है परफॉर्मेंस।
गाइस देख रहे हैं आप कितना धमाकेदार परफॉर्मेंसेस आ रही है। जैसे जैसे परफॉर्मेंसेस आगे बढ़ती जा रही है धमाका होता जा रहा है। ऑडियंस क्या मजा कर रही है। फेयरवेल जो ऑडिटोरियम में थी वो सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। अब सब जा रहे हैं लंच की ओर। वहाँ पर सामने हमारे यहाँ लंच हो रहा है। शायद लंच में आधी क्या है अच्छा लग रहा है। तो सब लंच खाने की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या है लंच में। इट्स वो नाइस बहुत एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंसेस थी। मुझे प्राइज भी मिला। इनको इतना अच्छा प्राइज मिला। मैंने जो बोला था जो मैंने तैयार किया था मिस्टर बीजेएम से लिखा हुआ वही इनको मिला। लाइन में आओ भाई भंडारा सबको मिलेगा। पहली बार मैंने देखा कोई बांटते हुए चश्मा लगाए। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भंडारे की। हमारे सिख दोस्तों की प्लेट तैयार। शिक्षा तुम्हें क्या मिला? छोले कहाँ तुम्हारे? अबे रसगुल्ला तो ले ले। अरे भाई जो हमको जिन्होंने एंट्री कराई थी। भाई विशाल भाई कहाँ थे आप इतने देर बाद? सुचिदी एक्स्ट्रा भटूरे लेंगे हम। खत्म होने वाला है। हम नहीं आए ब्लॉग में। जयकारा शेरावाली का।